Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 6, starting from unit number 1. Introduction to set. Maybe some students are familiar with the word of set. आप set को ऐसे समझ सकते हैं. Set को जिस तरह हम daily life के अंदर group के लिए, for example, जैसे we have slices हैं हमारे पास. जब slices इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या मेक करते हैं? ब्रेड. ऐसे है ना, जब स्लाइसेस इकट्ठे होते हैं तो क्या बनती है? ब्रेड. बर्ड्स इकट्ठी हो जाती है, बर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या बन जाता है? फ्लॉक. ठीक है, फ्लॉक. अच्छा, आप स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, आप स्टूडेंट्स जब सब असेंबल होकर एक जगह यहां बैठते हैं, स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं? क्लास. अब इन सब चीजों को आप देखें स्टूडेंट्स, एक कलेक्शन है. कलेक्शन मतलब एक जैसी चीजें, एक जैसे मेंटल माइंड, एक जैसी ये सब कट्टे. बर्ड्स परिंदे सबके पास सब उड़ते. स्लाइसेस डबल रोटी के मक्खन जैम लगा के खाते हैं, बटर ब्रेड सैंडविच बनाते हैं. ठीक है ना, ये कलेक्शन के डिफरेंट वर्ड्स हैं इन इंग्लिश, क्लास, फ्लॉक और ब्रेड. कलेक्शन को मैथ्स के अंदर बिल्कुल यूनिक एक नाम दिया गया है, वो है सेट. क्या है? सेट. अच्छा स्टूडेंट, सेट इट्स मीन कि जो कलेक्शन है मैथ के अंदर इट इज कॉल्ड सेट. अगर हम सेट को डिफाइन करें, इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन. ये बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती, इट इज अ कलेक्शन. सेट मैथ के अंदर जो कलेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. इट्स मीन रिक्वायरमेंट क्या है, कलेक्शन क्या हो वेल डिफाइंड, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो डिस्टिंक्ट. अच्छा अगर हम इन दो चीजों को लेके चलें, वेल डिफाइंड को और डिस्टिंक्ट को, वेल डिफाइंड के लिए आप इसको कैसे करेंगे? जो चीज मतलब फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसा कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं मेक अ लिस्ट ऑफ टेस्टी आइटम्स, फूड आइटम्स, या मेक अ लिस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स. मे बी इंटरेस्टिंग बुक्स आपके और मेरे डिफरेंट हो, आपको कुछ और पसंद हो, मुझे कुछ और पसंद हो. वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि सेट ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आए वो सबके लिए जो है ना एक जैसे माइंड में आए. ठीक है, दूसरी चीज सेट की क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब ये है एक चीज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है मेक अ सेट ऑफ स्पेलिंग ऑफ बनाना की स्पेलिंग का सेट बनाए. अच्छा स्टूडेंट, सेट बनाने के लिए सेट जब भी आप बनाते हैं हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, और जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप सेपरेट करते हैं विथ कॉमास. बनाना, अब ये देखिए बनाना में बी कॉमा ए कॉमा एन. अब ये तीनों तो आ गए, अब ये ए एन और ए, इसको हम दोबारा इसमें राइट नहीं कर सकते बिकॉज हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. एक जैसी चीज दोबारा सेट में एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, सेट की जो डेफिनेशन है ना, इसको आप यहां से क्लियरली स्पष्ट से समझ लेना है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल आपको भी पता है कि वेल डिफाइंड बनाने की एग्जाम्पल, आपको पता बनाने की एग्जाम्पल ये, आप बनाने की स्पेलिंग जो है ऐसे नहीं लिख सकते. ठीक है, ऐसे ही ना, आप भी बनाने की स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे. और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के उसके ऑब्जेक्ट जो है दोबारा रिपीट ना. अच्छा ये जो मेंबर्स हैं जिनसे मिलकर सेट बनता है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट. क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द सेट. सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या सीखी कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. दूसरी बात, हम सेट को इनक्लोज करते हैं विथ कर्ली ब्रैकेट और उसके मेंबर्स को सेपरेट करते हैं विथ कॉमास, और जो मेंबर जिन मेंबर्स से मिलकर सेट बनता है उसको कहते हैं मेंबर्स या एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स या मेंबर के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है इस तरह ई का. ठीक है, यूज फॉर एलिमेंट ऑफ
और मेंबर ऑफ।